অন্য অন্য ভোট মানে সেই মানুষগুলোর খোঁজ যাদের সঙ্গে সরাসরি নির্বাচনের কোনো যোগাযোগ নেই রাজা আসে রাজা যায় কিন্তু তাদের দৈনন্দিন জীবনের লড়াইয়ে কোনো পরিবর্তন আসে না জেলায় জেলায় যেভাবে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন নির্ঘণ্ট সাজিয়েছে আমরা ঘুরে বোঝার চেষ্টা করেছি খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছি সেই সব মানুষকে যারা ক্রমশ যত দিন যাচ্ছে তত অন্ধকারের নিচে চলে যাচ্ছে যদিও আমরা নাকি উন্নয়নের পথে এগোচ্ছি কলকাতা উত্তর এই অঞ্চলের নির্বাচন এবার সামনে কলকাতা মেগাসিটি কলকাতা সেখানে কি সবটাই আলোকোজ্জ্বল নাকি প্রদীপের নিচেই সব থেকে বেশি অন্ধকার কলকাতা শহরেও এরকম বহু মানুষ আছেন বহু জায়গা আছে

কলকাতা মেট্রোপলিটন এরিয়া আমরা রয়েছি শ্যাম্পুকুর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে এই যে রেললাইন দেখছেন নিমতলা আহদিটলা সংলগ্ন চক্র রেলের এই লাইনের দুপাশে অন্তত পাঁচ হাজার মানুষ পরিবার নিয়ে বাস করেন যাদের সঙ্গে এই শহরের অন্য নাগরিকদের কোনো সম্পর্কই নেই অন্য নাগরিকদের পরিষেবা দেন এরা কিন্তু অন্য নাগরিকরা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পান তার ন্যূনতম টেন পারসেন্ট নাগরিক সুযোগ সুবিধা এই বস্তিতে নেই এর মধ্যেই এরা বেঁচে আছেন রোজ লড়াই করে বেঁচে আছেন এই যে এই যে অঞ্চলগুলো এই অঞ্চলগুলো যারা বাস করেন এই দুপাশে ঝুপড়িতে যারা বাস করেন তাদের কোনো নাগরিক পরিচয়পত্র নেই এদের অনেকেই বিহার থেকে আসা কিন্তু প্রায় তিন পুরুষ কলকাতা শহরে বাস করছেন বিশ্বাস করুন অন্তত তিন পুরুষের বাসিন্দা এরা এখানে কিন্তু এদের কোনো নাগরিক পরিচয়পত্র নেই না এখানকার না বিহারের ফলে এই মানুষগুলোর কাছে আদমশুমারি হলে হয়তো তাদের মাথা গুনতে লোক আসেন কিন্তু ভোট চাইতে কোনো প্রার্থী আসেন কোনো পরিচয় পত্র নেই রেশন কার্ড নেই ফলে দু টাকা দামের চাল এদের কাছে স্বপ্ন কিন্তু এরা যে অবস্থার মধ্যে আছেন যে আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যে আছেন তাতে এদের তো অন্তদয় অন্নপূর্ণা যোজনা সুবিধা পাওয়ার কথা অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় কিছু চাল এদের পাওয়ার কথা সরকারি যোজনা মারফত একটু কথা বলে বোঝার চেষ্টা করি আপ লোক মিলতে হ্যাঁ রেশন সেই দু কিলা তিন কিলো দেো করিয়া হ্যাঁ মহিনা তিন কিলো গেম দে आप लोगों का पास राशन कार्ड है वही दो रुपया वाला राशन कार्ड है दो रुपया राशन राशन कार्ड आप लोगों को मिला आ, कितने लोगों को इसमें ये सबको मिला है सबको मिला है आ, तो वो दो रुपया वाला चावल कितना मिलना चाहिए था आपको पता है कि एक राशन कार्ड में या एक फैमिली को कितना मिलना चाहिए था और आप लोगों को कितना मिल रहा है दो किलो के मिलता है दो किलो करके मिलता है पहले सुनाया चार किलो करके फिर कर दिया तीन किलो फिर कर दिया दो किलो तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि कम क्यों हो गया बोला बड़ा छोटा सबको बराबर कर दिया घर बारी बड़ा वाला पैसा वाला उसको भी कर दिया गरीब उसको भी कर दिया है ये कौन बोला आपको किया है घर घर में सबको कर दिया है जिसका पैसा वाला मतलब ये जो बस्ती में देख रहा हूँ इसमें भी पैसा वाला लोग भी है घर बारि में जो है घर बारी है जिसको हाँ। बिल्डिंग है उसका भी दो रूपया कर दिया है और आप लोगों को भी दो रुपया कर दिया है उनको भी जो मिलता है आपको भी वही मिलता है वही मिलता है ये कलकत्ता शहर है आपको पता है यहाँ पर वोट होने वाला है हाँ, होने आ, वाला है। तो आपको वोट मांगने कोई मा, वो, आया था यहाँ पर का यही यही हमको सबके पहचान पत्र तो नहीं बना देता है दे गे 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 नहीं बना देता है सर सब चीज है महज पहचान पत्र नहीं बना दिया सर आप लोग आप लोग कितने बरस से रह रहे हैं यहाँ पर हम सब चार साठ सत्तर बरस से है सर हमको सब बाप दादा सब सब गुजर गया सब लाइन में भी है भीतर में भी है उसको भी नहीं है पर है है उसको भी नहीं है। दुण दुण तो दुण आपका वोटर कार्ड नहीं है इसलिए कोई वोट मांगने भी नहीं आता मांगता है तब न देगा रहेगा तब देगा तो सरकार तो अपने आप मार खाता है अगर एक वोट जाता है एक आदमी का तो कितना गया साल में दो तीन वोट होता है तो देगा कहाँ से हम लोगों के पास ना घर में गांव में ना जगह है ना जमीन है अगर थोड़ा सा ज़मीन में घर घर बनाने के लिए तो हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है जो हम लोग घर बनाएंगे गांव में तो बाल बच्चा लेके यहाँ पर जिस तरह भी है छोटा छोटा बच्चा हम लोगों के पास में है जो हम लोग अपना बच्चा किस तरह भी कोटी बारी में खट के कि कागज़ चुन के जो जिस तरह भी हो रहा है वो बच्चा लोग को पावस्त कर रहे हैं हाँ और दूसरी नंबर क्या है कि यहाँ पर हम लोगों के पास में सब कुछ है आधार कार्ड है पेन कार्ड है बैंक अकाउंट है किंतु बॉर्डर कार्ड हम लोग का नहीं उड़ रहा है वोटर कार्ड में नाम नहीं हो रहा इसलिए नहीं दे रहा वहाँ जब जाते जैसे बिल्डिंग में नाम भरने फार्म तो पूछते हैं तो जो हम लोगों का क्यों नहीं नाम उठता है बोलते तुम लोग का आदिवादी है ना तुम लोग जानता हो क्या हो तुम लोग तुम लोग लो क्या प्रूफ है जो तुम लोग यहाँ का वासी हो तो लो आधार आधार हाँ, आप हाँ आधार कार्ड का जीरज करके हम लोग दिए बैंक का बॉय का जीरज दिए पैन कार्ड दिए फिर भी नहीं हो रहा बोलते तुम्हारा बाप का कोई का भी डॉक्यूमेंट होने से होगा फिर भी मेरा कुछ तरह भी हम अपना बना लिए हम अपना बना लिए आपके जैसे कितने लोग जो है जिसको वोटर कार्ड मिल गया है जिसका जिसका जन्म कार्ड अगर है यहाँ का उसका मिल गया ठीक है আর जिसका नहीं है उसका कोई है नहीं यहाँ पर मुश्किल से पाँच छो घर है, है। वाला बाकी किसी का नहीं है এখানকার প্রায় ধরুন চার থেকে পাঁচ হাজার মানুষ এখানে বাস করেন যাদের মধ্যে বাচ্চাদের যদি আমি ছেড়েও দিই হিসাবের বাইরে রাখি তাহলেও অন্তত সাড়ে তিন হাজার মানুষ আছেন যাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার কথা কিন্তু পাঁচ থেকে ছটি পরিবারের যারা সদস্য তারা ভোটার কার্ড পেয়েছেন বাকিরা পাননি তবে এটা ঠিক যে অনেকের কাছেই আধার কার্ড আছে অনেকের কাছে রেশন কার্ড আছে কিন্তু তারপরেও ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত এই মানুষগুলো বছরের পর বছর এখানে রয়েছেন ষাট সত্তর বছর রয়েছেন এই অঞ্চলে কিন্তু এখনও পর্যন্ত ভোটাধিকারের অধিকারী হননি এই অঞ্চলটুকুর মধ্যে রেললাইনের দুধারে যে সংখ্যায় মানুষ বাস করেন তার অন্তত তিরিশ শতাংশ শিশু দশ বছরের নিচে একদিকে রেললাইন আর পাশেই গঙ্গা প্রায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার শিকার এখানকার পরিবারগুলি এবং যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটেও এখান থেকে কেউ দুর্ঘটনাগ্রস্ত শিশুটিকে নিয়ে হাসপাতাল বা ডাক্তারের কাছে সরকারি ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সাহস দেখান না কারণ যদি তাদের ওপরে তার কোনো খারাপ প্রভাব পড়ে যদি পুলিশ নিয়ে টানা হেচড়া করে ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ন্যূনতম চিকিৎসা পরিষেবা থেকেও এখানকার শিশুগুলি বঞ্চিত শুধুমাত্র কয়েকটি এনজিও এই অঞ্চলে কাজ করে যারা শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্তত ন্যূনতম কিছু পরিষেবা এখানকার মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে आप थोड़ा मुझे बताइए कि यहां पर रेल का लाइन जो है इसमें से ट्रेन गुजरते हैं जी और बगल में गंगा है उसमें ये सब बच्चे जो हैं इतने आप लोग के उनके ऊपर नजर रखते हैं या फिर वो गंगा में भी जाते हैं वो देखिए माँ बाप जब तक देख रहता है सामने थोड़ा देखभाल करता ही है मगर आदमी को बोल के जाता है और चाहे बड़ा लड़की हो चाहे छोटा लड़की हो तो सबको बोल के जाता है तो देखभाल जहाँ तक होता है सो करता है और कोई अपना इधर रह गया मंदिर पे तरफ बैठे उठने में थोड़ा ध्यान से उतर गया अब ऐसा ही बात हुआ वो लड़की मंदिर पर बैठा हुआ था वो कब गया कब नहीं उसको ध्यान नहीं पड़ा होगा पता नहीं लगा होगा अभी जब गंगा जी में गया लहाने एक आदमी तब जो है से उसको पैर में ठेका तो उसको उठाया बच्चे को तो उठाया ऐसे एक बच्चा आज जब हम लोग आए उसी के थोड़ी देर पहले उसका मौत हो गया गंगा में तो ऐसा ऐसा होता ही रहते हैं यहाँ पर वो तो कभी न कभी कोई ना कोई घटना होता ही रहता है ये यहाँ पर इतने लोग रहते हैं आ, यहाँ को यहाँ से जो लोग चुनाव में जीत के आता है गवर्नमेंट का जो लोग है काउंसिलर जो है वो लोग आते हैं आपको देखभाल करने के लिए थोड़ा सा कुछ भी ये ट्रीटमेंट के लिए या खाने के लिए आप लोगों को कुछ मिल रहा है कि नहीं है अभी नहीं दे रहा है ना कुछ नहीं देता है कोई आता भी नहीं है यहाँ पर ना सब आता है खाली लिख करके ले जाता है जो यह कर देंगे वह कर देंगे ये आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा बस इतना ही बोल के चला जाता है मगर किसी को कोई अस्थाई नहीं मिला है आप लोग को पता है कि ममता बनर्जी कौन है हाँ पता है हाँ हाँ कौन है मुख्यमंत्री है तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मुख्यमंत्री जो है ममता जी दूर दूर चले जाते हैं गरीबों के पास चले जाते हैं कभी आपके पास भी आए ऐसे तो आते हैं कभी कभी ए, भूतनाथ में भी आते हैं कोई मीटिंग तिटिंग रहता है तो आता है और नया शमशान जो बना है यहाँ बगल में वहाँ भी उद्घाटन करने आया था तो अपना पाँच मिनट भाषण दिया उसके बाद चला गया एक जिन एखे बोले दरकार मानुषगुलो तो थे तूलत जे समस्त जीविकार ऊपर निर्भर करें तरह मध्य एक बड़ो अंश जुड़े रोज कोलकार वित्तशाली नागरिक बाड़ीते मेड सार्वेंट हिसाब क्या এখানকার মহিলারা বিশেষত সেই কাজে বেশি যান আর এছাড়া খুব ছোটোখাটো সাধারণ মানের কাজ কিছু আছেন যারা দৈনন্দিন মজুরি মানে দিন মজুরি করে এখানে কিছু রোজগার করেন কিছু পুরুষ এরকম আছেন বাচ্চাদের অনেকে কাগজ কুরোতে যায় সারা দিন সেখান থেকে তারা কিছু রোজগার করার চেষ্টা করে সামনে শ্মশান রয়েছে বা এখানে বেশ কিছু মন্দির রয়েছে ফলে মালা গাথা বা শ্মশানের সামনে শেষকৃত্য রিলেটেড কিছু জিনিসপত্রের ছোটোখাটো ব্যবসা করার আর চেষ্টাও এরা কখনো কখনো করেন কিন্তু এর থেকে বেশি রোজগারের রকম রাস্তা এই মানুষগুলোর সামনে এখানে নেই কলকাতার মধ্যে এ এক আরেক কলকাতা মহানগরের মধ্যে এরা নাগরিক কিন্তু এক রকম নাগরিক জীবন এই রকমভাবে মহানগরের মধ্যে অন্যরকম নাগরিক জীবন আরও অনেক জায়গায় অনেক মানুষ কাটান তাদের খোঁজ আমরা রাখি না অন্য ভোট তাদের খোঁজই করছে যাদের ভোট নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই এরকম আরও কিছু মানুষের খোঁজে চলুন আবার বেরিয়ে পড়া যাবে